अभी तक तो सिर्फ फिल्म जगत में साल की सबसे बड़ी फिल्म बाहुबली की ही चर्चा हो रही थी, लेकिन अब इसकी जगह पांडवों की एकता, कृष्ण का ज्ञान और कौरव पांडव सेनाओं के घमासान युद्ध ने ले ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। इस प्रोजेक्ट का टाइटल है महाभारत, जिसमें बॉलीवुड और साउथ के कई बड़े सितारे नजर आएंगे। लेकिन इस फिल्म से कई दिलचस्प बातें भी जुड़ी हैं। पहली कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई जा रही है, जो कि अब तक की सबसे महंगी फिल्म साबित होगी। इस फिल्म को 1000 करोड़ की लागत से बनाने का प्लान भी बाहुबली मेकर SS राजा मौली का ही है, लेकिन इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे दुबई के बिजनेसमैन BR शेट्टी। लेकिन जहां इस प्रोजेक्ट ने सांस ली ही थी कि वहीं केरल में इस फिल्म का विरोध भी होना शुरू हो गया। इस फिल्म को राजनीतिक और धार्मिक रंग में लपेटने की कोशिश की गई, लेकिन अब इस फिल्म को मिल गया है देश के सबसे बड़े चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ, जो कि अब इस फिल्म की डूबती नैया को पार लगाने का काम करेंगे। बताया जा रहा है कि PM मोदी ने फिल्म के निर्माता BR शेट्टी को एक लेटर लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वो इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और ये फिल्म बनना देश के लिए गर्व की बात होगी। PM के लेटर के बाद शेट्टी ने नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद वो 7 जुलाई को अपनी टीम के साथ PM से मुलाकात करेंगे। यानी कि एक तरफ फिल्मों का विरोध और वहीं दूसरी तरफ फिल्म को मोदी का साथ, इस फिल्म पर छाए काले बादलों को साफ करने का काम करेगा। NMF न्यूज की रिपोर्ट।